हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। करें तो वो मफादात की सियासत होती है और मुफाहिमत की सियासत भी होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि कई सियासतदान ऐसे होते हैं जो कि मिसाक जमहूरियत भी कर रहे होते हैं, मिलके बैठ भी रहे होते हैं, एक पार्टी की तरह होते हैं जैसे कि एमकेएम, लेकिन बाद में सीटों के चक्कर में या इख्तदार की जंग में लड़ते हुए भी नजर आते हैं। तो जनाब ऐसी ही सियासत है हमारे पाकिस्तान की, जब जिसका दिल चाहता है वो यू टर्न ले लेता है, जब जिसका दिल चाहता है वो मुफाहमत कर लेता है, और ये सारी जंग है इख्तदार की लेकिन सारी सूरत जरूर पिसते हैं। तो इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी बढ़ते हैं हमारी टॉप स्टोरीज की जानिब। एमके में सेनेट की सीट से शुरू होने वाले इख्तलाफात अब तक बरकरार, सिंध की 12 नशिस्तें पीपुल्स पार्टी को मिलने का इम्कान, इलेक्शन कमीशन की हतमी फहरिस्त जारी, राबता कमेटी का कोला तर्जुमान इलेक्शन कमीशन। पाकिस्तान को दहशतगर्दों की वॉच लिस्ट में डालने की तैयारियां, अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जुमान के मुताबिक अगले हफ्ते पेरिस में FATF के इजलास में करारदाद पेश की जाएगी जिसमें पाकिस्तान को वॉच लिस्ट में शामिल किया जाएगा। काउंटडाउन शुरू हो गया, PSL 3 की चमचमाती ट्रॉफी की मुंह दिखाई आज होगी, खिलाड़ियों ने दुबई में डेरे डाल लिए, रंगारंग इफ्तिताही तकरीब 22 फरवरी को मुनक्किद की जाएगी। चले जनाब, PSL का फीवर तो है हाई, और अभी हम जानेंगे कि आज हमारे अखबारात की जो 6 सुर्खियां हैं वो क्या कह रही हैं। आप सबा चाय पीजिए। हाँ? और हमेशा की तरह मैं आज पहली खबर दे देता हूँ, हमेशा की तरह तो नहीं। अच्छा जी, कोई बात नहीं, वन बाय वन थोड़ा ज्यादा खबरें देनी पड़ जाती है तो कोई मसला नहीं है। जंग अखबार है, जंग अखबार में आज हमारी जो लीड लगी है वो वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से लगी है, और उन्होंने पूछा है कि क्या पूछ कर कानून बनाए, अदालतों में मुंतखब नुमाइंदों को चोर और डाकू कहा जाता है, सरकारी अफसरान को निकाला और बेइज्जत किया जाता है। अब वजीर आजम ने यह भी कहा कि पार्लियामेंट में अदलिया के किरदार पर बहस भी होनी चाहिए, और उन्होंने कल काफी धुआंधार तकरीर की। उन्होंने कहा कि एक इदारा दूसरे इदारे के काम पर ज्यादा तवज्जा देता है, अपने काम पर तवज्जा नहीं देता है। अगर इदारे एक दूसरे के कामों में मदाखलत करते रहेंगे तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। बिल्कुल, मुल्क कैसे तरक्की करेगा। अच्छा, आपने जो लीड बताई और उसके अलावा जो एक्सप्रेस की लीड है, तो डेफिनेटली एक्सप्रेस में जो है वो वज़ीर आज़म के हवाले से लीड है कि जजों का तर्ज अमल पार्लियामेंट में जेरे बहस लाया जाए। तो जहाँ पर हम बात कर रहे हैं नून लीग के हवाले से, हुकूमत के हवाले से, तो उनके हवाले से लीड भी है। तो प्राइम मिनिस्टर यही कहते हैं कि जी क्या हुकूमत को ये राइट नहीं है कि वो अपने काम जो है वो कंपाइल कर ले, जितने उनके तरक्याती मनसूबे हैं वो कंपाइल कर ले, और साथ साथ उन्होंने आज शिकवा भी कर डाला कि जनाब अगर हथकड़ी लगाना चाहते हैं नवाज शरीफ को तो लगा दें, हम तैयार हैं। तो नून लीग की जिस तरह की सियासत है ओवरऑल, आप देखें कि जब से ये इक्तदार में आए, जब से इनको हुकूमत मिली है, तो एक चीज़ इनके अंदर स्टैटिक है वो है जारहाना पॉलिसी। अपने जो अपोजिशंस थे, जब इनके ऊपर पनामा केसेस नहीं भी थे तब भी ये उनके ऊपर इसी तरीके से जारहाना पॉलिसी इख्तियार करते थे, उनके तमाम मसाइल को, फंड्स के मामलों को, हमेशा इसी तरह से होता था कि अपोजिशन शोर मचाती हुई नजर आती थी। और अब जब पनामा केस का मसला निकला है और अकामा पे इनको निकाला गया है, तो उसके बाद भी नून लीग की जो पॉलिसी है वो काफ़ी जारहाना है, केसेस भुगत रहे हैं, बेशक तौहीन अदालत के केसेस भुगत रहे हैं, नैब कोर्ट जा रहे हैं, ट्रायल हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो बॉडी लैंग्वेज है वो स्टैटिक है। और उसमें एक और चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इनके काम आ रही है, वो है इनका विक्टिम कार्ड, जो कि हम देख रहे हैं कि हर इतवार को जो संडे वाले दिन खिताब किया जाता है उसमें अवाम का हुजूम बढ़ता चला जा रहा है, और NA54 के बाद तो इन लोगों का कॉन्फिडेंस और हाई हो गया। शेखुपुरा का जलसा हमने देखा, शेखुपुरा में बहुत सारे लोग मौजूद थे, अलबत्ता लोधरा का इलेक्शन जीतने के बाद लोधरा में बहुत सारे बड़ी तादाद के अंदर लोग नहीं निकल कर आए, नवाज शरीफ वहां पर भी मौजूद थे। अगली खबर शामिल करते हैं बिजनेस रिकॉर्डर से, बिजनेस रिकॉर्डर मेरे पास है और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो कि आजकल मीडिया की नजरों से ओझल नजर आती है, और वो है कि पहले मैं आपको लीड पढ़ के बता देता हूँ, सेल ऑफ व्हाइट एलिफेंट लाइकली बिफोर पोल्स।
और ये व्हाइट एलिफेंट किसको कहा जा रहा है? जी हाँ, ये व्हाइट एलिफेंट पीआईए और पाकिस्तान स्टील मिल्स को कहा जा रहा है, जो कि मौजूदा हुकूमत की जो मिनिस्ट्री ऑफ प्राइवेटाइजेशन है उसकी ये तरजीह नजर आ रही है कि अपना दौरे इख्तदार खत्म होने से पहले इन दोनों बड़े इदारों को सेल कर दिया जाए, जिसकी पीटीआई काफी ज्यादा मुखालफत भी कर रही है। और सिर्फ पीटीआई ही नहीं, दीगर अपोजिशन जमातें भी इसकी मुखालफत कर रही हैं। दीगर अपोजिशन जमातें भी इसकी मुखालफत कर रही हैं। ओवरऑल नून लीग के टेन्योर की बात की जाए तो इसमें कई दफ़ा हमने देखा कि पीआईए के जो मुलाजमीन हैं उनकी जानिब से एहतजाज भी सामने आया। आवाम की भी इतनी शिकायतें हमें मौसूल होती हैं, आए दिन तैयारे को लैंड कहीं करना होता है और तैयारा लैंड कहीं और कर जाता है। तो डेफिनेटली हुकूमत अब यही चाह रही है कि इसको प्राइवेट कर दिया जाए, इसकी निचकारी की जाए, लेकिन कोई खरीदार तो हो, कोई अच्छे पैसे तो लगाए, जब तो हमारी एयरलाइन। लेकिन जब खरीदार तो हैं बहुत सारे और बोलियां भी लग सकती हैं, लेकिन बात क्या है कि नेशनल उन्होंने अपना ऑफिशियल सॉन्ग जारी कर दिया है और अब उसमें देखते हैं कि किस तरीके से उनके वीडियो सामने आई है। और इस दफा लाहौर कलंदर्स जो है उनकी जो ऑनर ज्यादा जो है वो एनर्जेटिक है और वो चाहते हैं कि इस दफा लाहौर कलंदर जो है वो पीएसएल का फाइनल जीते। और दूसरी बात, एक वेबसाइट है जिसकी जानिब से अवार्ड्स दिए गए हैं, जिसमें आमिर को, मोहम्मद आमिर को और फखर जमान को, मोहम्मद आमिर को तीन खिलाड़ी जो है वो करार दिया है। और ये जो उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर उनको अवार्ड मिला है वो मिला है उनको चैंपियंस ट्रॉफी में कारकर्दगी दिखाने पर। तो जनाब बेस्ट ऑफ लक, हमारे क्रिकेटर्स जब अच्छा खेलते हैं तो डेफिनेटली उनको पजीराई भी मिलती है, उनको बहुत सारी बेस्ट विशेज भी मिलती है। और दूसरी जानिब जो है, अगर हम पीएसएल के हवाले से बात करें तो जनाब श्रीलंका से जो एंजेलो मैथ्यूज हैं उनको एनओसी नहीं मिली है, तो उनके जो फैंस हैं वो काफी ज्यादा नाराज हैं। बिल्कुल नाराज फैन दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी आज खबर यह है कि आज पीएसएल की ट्रॉफी की तकरीबें रोनवाई होने जा रही है दुबई के अंदर। 6 की 6 टीमें जो हैं पीएसएल की, उनके कप्तान भी वहां मौजूद हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के चेयरमैन और पीसीबी के चेयरमैन रन सेठी भी वहां पर होंगे। आज दोपहर 2 बजे या 2:30 बजे के करीब इसकी रोनुमाई की जाएगी। और एक बार फिर से क्रिकेट का फीवर हाई होते जा रहा है। और इवन पूरे पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनका भी यही कहना है कि वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इन मैचेस को देखने के लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल जीत तो। और अच्छी बात ये है कि इस बार फाइनल जो है वो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि कराची होगा, तो कराची वाले तो इस बार ज्यादा पार्टिसिपेट करने वाले हैं इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं, अब रुख करते हैं दीगर शहरों की जानिब जहां पे हमारे मुख्तलिफ नुमाइंदगान मौजूद हैं। पहले रुख कर लेते हैं लाहौर का, जहां पर सियासी सरगर्मियों के हवाले से जानते हैं, वहां हमारे नुमाइंदा मौजूद हैं हुमा भट्ट। हुमा भट्ट, सुबह बखैर, आज बताइएगा कि लाहौर में क्या क्या होने जा रहा है। सुबह खैर, और आज लाहौर में दिन का आगाज जो है वो पंजाब असम्बली के सेशन से होने जा रहा है, जिसके बाद हम लोग देखेंगे सीसीपीओ लाहौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कि लाहौर में होने वाली चोरी और डाकाजनी की जो वारदात है उनके बारे में हमें थोड़ी सी तफसीलात से बताएंगे। इसके बाद होंगे मंसूरा में सिराजुल हक जो है जमात इस्लामी के अमीर, वो एक एड्रेस करेंगे, खिताब करेंगे, और उनके खिताब में यकीनन कोई ना कोई हमें अहम जो बात है और ख़बर जो है वो ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि आजकल जो सियासी सरगर्मियां हैं वो कुछ ऐसी ही हैं कि जब तक उनके ऊपर बात ना की जाए तब तक रहा नहीं जाता। और लाहौर में एंड जो होगा शाम जैसी होगी, साथ ही हमें एक बहुत ही रंगीन सा एक प्रोग्राम मिलेगा, वो है लक्स स्टाइल अवार्ड्स होंगे। बहुत से अदाकार यहाँ पर आएंगे, तो हम लोग उस चीज को जरूर देखेंगे और एंजॉय भी करेंगे। लाहौर लक्स स्टाइल अवार्ड को जरूर देखेंगे और एंजॉय भी करेंगे, फॉलो भी करेंगे और देखते हैं कि किसको अवार्ड मिलता है। जी उमा जी, बिल्कुल हम लोग ये जरूर देखेंगे। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ पीएसएल की भी बात कर ही लेती हूँ, क्योंकि आजकल ऑनलाइन टिकटिंग जो है वो भी जारी है, तो ऑनलाइन टिकटिंग में 1,000 और 2,000 की टिकट्स तो फरोख्त हो चुकी है। बिल्कुल, पीएसएल का फीवर भी हाई है, इस हवाले से टिकट्स के हवाले से भी तहफुजात का इजहार किया जा रहा है कि कितना का टिकट होगा। और से अपडेट करती है, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, पेशावर की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे आमिर जमील, और उनसे पूछेंगे कि पेशावर में आज क्या हाल चाल है, कौन सी सियासी और समाजी सरगर्मियां होने जा रही है और मौसम कैसा है। आमिर जमील, कराची में तो अब गर्मी आ गई है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर भी गर्मी के असरात जो हैं गुज़िश्ता 2 दिन से हमें नज़र आने शुरू हो गए थे, मौसम काफ़ी गर्म हो गया था। लेकिन अब खैबर पख्तूनख्वा के आवाम के लिए खुशखबरी एक बार फिर महकमे मौसमियात ने दे दी है कि आज और कल खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का इम्कान है। आज सुबह से बदल आए हुए हैं और ठंडी हवा भी चल रही है। महकमे मौसमियात का कहना यह है कि हज़ारा और मालाकंड में ज़्यादा बारिश होंगी, जबकि मैदानी इलाकों में कहीं कहीं बारिश होने का इम्कान है। और ये सिलसिला जो है
दो दिन तक जारी रहेगा और दो दिन वक्फा रहेगा और उसके बाद दोबारा से यही सिलसिला बारिशों का शुरू होगा। दूसरी तरफ आज अगर इवेंट्स की बात करें तो वो भी पेशावर में काफ़ी अहम इवेंट्स आज हैं। पाकिस्तान और रूस के दरमियान सफारती ताल्लुकात को 70 साल पूरे हो गए हैं तो इस हवाले से आज एक अहम तकरीब की जा रही है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, वो भी आज पेशावर में हैं। सीएम हाउस वो जाएंगे और उसके बाद वहाँ पर एक ब्रीफिंग करेंगे, जबकि सीएम हाउस के बाद वो कयूम स्टेडियम और अरबाब नियाज स्टेडियम में भी जाएंगे। ठीक है, आमिर जमील पेशावर से हमें अपडेट कर रहे हैं, वहाँ की सूरत हाल बता रहे हैं और खान साहब पेशावर में है और लेट्स सी खान साहब के बारे में। उन्होंने मौसम की सूरत हाल बताया कि पेशावर में तो महकमा मौसमियात ने बता दिया है कि अब बारिश भी हो सकती है और बलाई इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और अब रुख करते हैं सभा वफाक दारकूमत का, जहां पर हमारे नुमाइंदे आसिफ नवीद मौजूद हैं। उनसे आज जानते हैं कि शहर इख्तदार में आज कौन कौन सी खास एक्टिविटीज होने जा रही हैं। आसिफ नवीद बताइएगा। देखें, अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में रूटीन केसेस हैं, उसके अलावा आज कैप्टन सफदर के खिलाफ नैब की जानिब से एक अलग से दरख्वास्त दायर की जा रही, जो गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला आया उसके खिलाफ आज जो है वो नैब की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की जाएगी जो खासी अहमियत की। उसके अलावा अगर हम बात करें कौमी असम्बली में असम्बली का इजलास है, सैनेट का इजलास होने जा रहा है शाम में, और उसके साथ साथ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खासे अहम केसेस आज जेर समात होंगे, जिसमें सबसे अहम सबक़ वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ एक और तोहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें मौकफ अपनाया गया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो लाइव स्पीचेस हैं उन पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की जाए, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अदालतों के खिलाफ काफी जो है वो बातचीत कर रहे हैं। तो इस हवाले से दरख्वास्त जेरे समात है जिसको अर्जेंटली आज ही टेकअप किया गया। उसके अलावा फैजाबाद धरने में जो राजा जफरुल्लाह की रिपोर्ट थी उसको तलब किया गया, क्योंकि गुज़श्ता समात जब हुई थी फैजाबाद धरने के हवाले से तो उस पर रिपोर्ट ना आने पर अदालत ने खासी बरहमी की थी, तो आज इस हवाले से वो रिपोर्ट तलब की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की जो हालिया कीमतों में इजाफा हुआ है उसके खिलाफ जो दरख्वास्त है वो आज जेरे समात है। ये वो चीदा प्रोग्राम है जो शहर इक्तदार में आज होने जा रहे हैं। आसिफ हमें अपडेट कर रहे हैं शहर इक्तदार से और बता रहे थे कि कौन कमेंट्स होने जा रहे हैं और इस हवाले से हम मजीद भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। अगर कोई खास किस्म की एक्टिविटी आती है वहाँ पर या समातों के हवाले से कोई खास हमारे पास अहम पेशरफ्त होती है तो जनाब गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज और अब हम कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। तो जनाब मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि अगर मैं अभी बात करूं कराची के हवाले से मौसम की बात करूं ना ओवेस, तो कराची में मौसम कुछ इस तरह का है कि सुबह सुबह जो है वो कभी सर्दी लग रही होती है लेकिन दिन में ऐसी गर्मी होती है कि लगता है कि जी बिल्कुल सर्दियाँ जो है वो जैसे चली गई हैं। तो मौसम अनप्रडिक्टेबल हुआ हुआ है बिल्कुल। तो मौसम के ऊपर पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। मुल्क भर में सर्दी जाने से पहले खूब रंग जमा रही है, बालाई इलाकों में सर्दी का पहरा है, चोटियां सुनहरी सफेद चादर ओढ़े खड़ी हैं, मैदानी इलाकों में सर्दी कुछ थमी है लेकिन गहरे बादल छाए हुए हैं। कराची में भी धुंध ने डेरा जमाया है। अलसुबह मलीर एयरपोर्ट और यूनिवर्सिटी रोड समेत कई इलाके शदीद धुंध की लपेट में रहे। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। ताहम बलाई इलाकों में मतला जुजवी तौर पर अबर आलूद रहने के अलावा कोयटा जोब मालाकन डिवीजन और फाटा में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। तो सवा मुल्क भर के मौसम की सूरत हाल का तो हमने जायजा ले लिया है और ताजा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद अब्बास। सर वेलकम टू द शो, आज बताइएगा कि पाकिस्तान का मौसम इन दिनों कैसा रह रहा है और आइंदा हफ्ते की क्या सूरत हाल होने वाली है। शाहिद साहब आपको आवाज आ रही है? हमारा रास्ता मुनकता हो गया है डायरेक्टर शाहिद अब्बास साहब से, उनसे हमने महकमा मौसमियात के हवाले से बात करनी थी, मौसम की अपडेट्स लेनी थी और कि जनाब मुकम्मल तौर पर गर्मियां कब तक आ जाएंगी और मौसम सर्द रहेगा या खुश्क रहेगा या बालाई इलाकों में मतला जुज़्वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, तो ये सारी सूरत हाल हमने पूछनी थी महकमे मौसमियात के डायरेक्टर से। लेकिन जैसे हमारा रब्ता होगा बिल्कुल बिल्कुल सवाल बता रही थी कि कराची का मौसम
बड़ा गैर प्रेडिक्टेबल या अनप्रेडिक्टेबल एरिया है, कभी मौसम गर्म होता है और कभी ठंड होती है। इसी तरह पेशावर से हमारे नुमाइंदे रिपोर्ट कर रहे थे कि पेशावर में आजकल ठंड हो रही है और महकमा मौसमियात ने वहां पे एडवाइजरी जो जारी की है उसमें यही कहा है कि बालाई इलाकों के अंदर बर्फबारी हो सकती है और बारिश का भी इम्कान है। और अगर बारिश और बर्फबारी हो गई तो फिर क्या होगा, फिर सर्दी मजीद बढ़ जाएगी और तराई पख्तूनख्वा के जो लोग हैं उन्हें यकीनन थोड़ा सा और सबर करना पड़ेगा कि गर्मियों का इंतजार किया जाए और जिंदगी एक बार फिर मामूल के मुताबिक हो। मेरे ख्याल में सर्दियों में भी सबकी जिंदगियां मामूल के मुताबिक ही होती हैं और लोग सर्दियां में भी एंजॉय करते हैं, लेकिन कराची के लोग बड़े नाजुक होते हैं, उनको बहुत जल्दी चेंज चाहिए होता है। खैर, हमारे साथ इस वक्त महकमा मौसमियात के डायरेक्टर शाहिद अब्बास साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसे हैं आप? सर, मौसम के बारे में बताइए, मौसम कैसा रहेगा, क्योंकि अगर कराची की बात करें तो कराची में सुबह के टाइम काफी सर्दी है लेकिन दिन में जो है वो काफी गर्मी हो जाती है, एंड ओवरऑल पाकिस्तान में कैसा मौसम रहने वाला है? ओवरऑल जो है ये मिड फरवरी से लेकर मिड मार्च तक सबसे खुशगवार पीरियड होता है पाकिस्तान में मौसम का, सर्दी कम हो जाती है और जो है इसमें से हवा भी चलती है, धूप भी निकलती है। तो कराची में क्योंकि थोड़ा सा बाकी इलाकों की जिसमें थोड़ा गर्म होता है लेकिन कराची के लिहाज से फिर भी खुशगवार है। तो अगले जो चंद दिन है कराची में तो बारिश करेंगे लेकिन 23 से लेकर एक दो दिन के लिए ऊपर वाले इलाकों में हल्की सी बारिश है और मौसम और खुशगवार हो जाएगा और उसके बाद फिर धूप निकलेगी। अच्छा शाहिद साहब, आप ये बारिश का तो बता रहे हैं और ठंड का भी बता रहे हैं, आजकल सुबह सुबह विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, इसकी क्या वजह है? जी, कराची में पिछले दो तीन दिन से जो है विंड की डायरेक्शन साउथ वेस्ट है जिसकी वजह से नमी काफी ज्यादा है, क्योंकि जो ही टेम्परेचर बढ़ता है तो समुद्र से वेपोरेशन ज्यादा हो जाती है और समुद्र से अगर जमीन की तरफ को हवा चलेगी तो मॉइस्चर काफी समुद्र से इधर आ जाता है। आज भी सुबह के टाइम 95-96% RH ह्यूमिडिटी हो जाती है जिसकी वजह से सुबह के वक्त मिस्ट जी। अच्छा सर, कराची के हवाले से अगर बात करें तो कराची में मौसम बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि जैसे बारिश हो जाएगी, लेकिन बारिश का कोई इम्कान भी है कि नहीं है? जी देखिए, नमी काफी ज्यादा होती है, बाद बादल भी बन जाते हैं लेकिन बादल उस सतह तक जाएं जहाँ जाके कंडेंसेशन हो और वाटर ड्रॉपलेट बन के बारिश हो, तो उस लेवल तक आप लिफ्ट नहीं हो पाते। अच्छा, तो अगले 3-4 दिन या अगले हफ्ते की एडवाइजरी क्या कहती है महकमा मौसमियात की, मौसम कैसा रहने वाला है? जी, अगले हफ्ते में कराची में तो बारिश का इम्कान नहीं, सिंध के जो बलाई इलाके हैं जिसमें से सखर है, लाटकाना है, जैकवाबाद है और ये द्वाबशाह के ऊपर वहाँ हल्की बारिश का चांस हो सकता है और उसके अलावा पंजाब में और बाकी जो है पाकिस्तान में तो ये 23-24 में और फिर 27 को इन दिनों में एक हल्की सी बारिश हो जाएगी और मौसम खुशगवार हो जाएगा। ठीक, यानी कि जो तो ठंडा हो जाएगा, अंदरूनी सिंध में बारिश का इम्कान है और पंजाब के बालाई इलाकों में बारिश का इम्कान है, लेकिन अगर कराची की हवाले से बात की जाए तो कराची में सर ऐसे ही चलता रहेगा मौसम, सुबह को सर्दी रहेगी और फिर दिन के वक्त गर्मी? ये जो फरवरी के दिन तो ऐसे चलेगा, मार्च में गर्मी पड़ना शुरू हो जाएगी। बहुत शुक्रिया शाहिद अब्बास साहब, डायरेक्टर महकमा मौसमियात हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और हम यही जानना चाह रहे थे कि जी कराची में बारिश होगी भी कि नहीं होगी, तो महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची का तो कोई इम्कान नहीं है लेकिन सर्दी और गर्मी दोनों साथ साथ चलेगी जबकि मार्च में गर्मियां आ जाएंगी। तो मेरे ख्याल में वेस कराची वालों ने तो अभी से अपने पंखे चलाने शुरू कर दिए क्योंकि दिन के टाइम पे इतनी गर्मी होती है कि ऐसा लग रहा होता है जी गर्मियां सच में आ गई हैं, लेकिन रात में सुबह थोड़ा सा ऐसा भी होता है कि मौसम में खुनकी जरूर पैदा हो जाती है। और जैसे विजिबिलिटी की बात कर रहे थे डायरेक्टर साहब के, ये भी रूटीन की बात है और अगर हवा में दर्जा हरारत में नमी ज्यादा होती है तो उसके बायस ये विजिबिलिटी कम हो जाती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं सियासी सूरत हाल के हवाले से, और सियासी सूरत हाल में कराची की बात करते हैं जहां पर फारूक सत्तार बहादुराबाद कब जाएंगे, इस सवाल का जवाब शायद खुद फारूक सत्तार के पास भी नहीं है और होगा भी कैसे। एक दफा फिर उन्होंने बहादुराबाद जाने की बात की लेकिन अहम वक्त पर इनकार कर दिया। चलिए जनाब, क्योंकि फारूक सत्तार के हवाले से हम बात कर रहे हैं और आजकल जिस तरह के उनके बयान आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आजकल जिस तरीके से उनकी पॉलिसी है तो मुझे लगता है कि नून लीग से काफी ज्यादा मुतासिर है वो, क्योंकि काफी जारहाना मूड में है और मैं ना मानूं कि उन्होंने रट लगा के रखी हुई है। ये जो तरीका है ये बुलाने का नहीं है, ये धुतकारने का है। फारूक सत्तार का फिर से इनकार, पहले बहादुराबाद जाने पर इसरार, फिर की वही पुरानी तकरार। ये इकदाम जो इलेक्शन का है उसे गैर आइनी कहें, गैर कानूनी कहें, गलत कहें और एक कारकुन बनकर आ जाएं तो
तो मैं कैसे अपनी इस कानूनी आईनी पोजीशन से दस बरदार हो गया, जो मैंने भी एक पोजीशन ली है ना भाई। ये जो तरीका है ये बुलाने का नहीं है, ये बुलाने की आड़ में धुतकारने का है। फारूक भाई ने चाय की दावत तो नहीं ठुकराई, लेकिन जवाब में अपनी ख्वाहिश भी बताई। पेशकश थी कि मैं जाऊंगा, सारी चीजों को भुलाऊंगा, चाय भी पियेंगे, खाना भी खाएंगे, बातें भी करेंगे। आने के लिए रास्ते में कांटे तो मत बिछाओ यार, फूलों की पत्तियां निछावर मत करो, लेकिन कांटे तो मत बिछाओ। सेनेट की चार सीटों पर फारूक सत्तार की जिद बरकरार रही। हैदराबाद में कहीं से फोन आ रहा था कि कहीं फारूक भाई का इरादा बदल ना जाए, उनके पास 25 MPA हैं, बाकी के टिकट विड्रॉ करें। बेचारा खालिद मकबूल शरीफ इंसान, उसको आगे कर दिया है सबने मिलके अपने मजमूम मकासिद के लिए। PIB की सरकार कब जाएगी हैदराबाद? हैदराबाद वालों को रहेगा फारूक सत्तार की आमद का इंतजार। तो जनाब देखिए कि किस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं। एक ही जमात है जिसके दो टुकड़े हुए हैं और एक ही जमात है जिसमें दो तरह के बयान आ रहे हैं। इस पर मजीद डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और अब आपको बताएंगे कि पाकिस्तान को दहशतगर्दों की वॉच लिस्ट में डालने की तैयारियां हो रही हैं। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान के मुताबिक इस हफ्ते पेरिस में FATF के इजलास में करारदाद पेश की जाएगी, जिसमें पाकिस्तान को वॉच लिस्ट में शामिल किया जाएगा। और इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पर मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल खालिद नईम लोधी, रिटायर्ड। अस्सलाम वालेकुम सर, एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। सर, सबसे पहले तो ये बताएगा कि पाकिस्तान को दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले ममालिक की वॉच लिस्ट में शामिल करने की तैयारी हो रही है, ये पहली बार नहीं हो रहा है सर, ऐसा 2012 से 2015 तक भी हुआ है। नाम डालना पाकिस्तान के लिए कितना नुकसानदेह होगा, क्या होगा फिर, क्या मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा पाकिस्तान को, और ये वो मुल्क है जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं सर। एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के खिलाफ कदम होगा, और जितने ममालिक इसकी तायद करेंगे, मेरा ख्याल है कि जब बिजनेसेस की बात होगी तो हमारे साथ उसमें रखना पड़ेगा। जो हम बैंकारी निज़ाम है उसके थ्रू जो तरसीलात होती हैं बाहर और जो पैसा अंदर आता है उसमें प्रॉब्लम होगा, तो मेरा ख्याल ये काफ़ी बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। लेकिन मुझे मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि जिस तरीके से अभी जनरल कमर जावेद बाजवा ने बातचीत की है जर्मनी में, और चूँकि ये टास्क फोर्स भी जर्मनी में है, तो हो सकता है उस पर कोई मस्बत असर पड़े और कुछ देर और मोहलत मिल जाए। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान पर शायद एकदम ये नहीं आएगी वॉच लिस्ट पर, अभी नाम शायद ना आए, ये अंदाज़ा भी है और हमें दुआ भी करनी चाहिए, और ये कोई मामूली बात नहीं होगी, ये एक बड़ा इकदाम होगा पाकिस्तान के खिलाफ। अच्छा जनरल साहब, कि शायद पाकिस्तान का नाम इस लिस्ट के अंदर ना आए, तो इस सारी सूरत हाल में कहा तो जा रहा है कि पाकिस्तानी हुकूमत रद्द अमल रुकवाने के लिए सरगर्म है, लेकिन सर जनरल साहब बताइएगा कि पाबंदी से बचने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत ने जो इकदाम किए हैं वो क्या काफी हैं? आपको लगता है कि गवर्नर ऑफ पाकिस्तान ने कुछ इकदाम उठाए? नहीं, मेरा ख्याल ऐसा है नहीं कि कोई कोशिश नजर नहीं आई। अगर आपने सुना हो तो आपने देखा होगा कि जितने UN ने प्रोस्क्राइब की थी तंजीमें उनके खिलाफ क्रैकडाउन हुआ है, उनके दफ्तरों को सील किया गया है, उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज किया गया है, बैंकों को इंस्ट्रक्शन दी गई है कि अपने वो जो प्रोसीजर है उनको वो ठीक करें। तो काफ़ी सारे इकदाम किए हैं और यही वो लेकर जाएंगे उधर, जो भी हमारे रेप हैं जो वहाँ पहुँचे वो सारे ये चीज़ें दिखाएंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चूंकि इकदाम जो कि हमने देर से किए हैं, हमें ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था और दिखा देना चाहिए था कि हम एक रिस्पॉन्सिबल इंटरनेशनल कम्युनिटी का मुल्क हैं, लेकिन चलें देर आए लेकिन दुरुस्त आए, तो ये इकदाम हुए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई इकदाम नहीं हुआ, और इसी वजह से मुझे उम्मीद है कि शायद हमें कुछ और वक्त मिल जाएगा। सब बिल्कुल सही कह रहे हैं, विद यू के डिले रिएक्शन की वजह से पाकिस्तान के ऊपर ये तमाम मुसीबतें आती हैं, और फॉरेन ऑफिस की बात की जाए तो मुझे लगता है कि फॉरेन ऑफिस ने शायद इसको सीरियस ही नहीं लिया होगा। सर, क्या वजूहत आपको लगती हैं इन पाबंदियों के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो मुसलसल दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, तो आपको क्या लगता है कि सब ग्रेटर गेम का हिस्सा है, पाकिस्तान पर प्रेशर बिल्ड करने के लिए ऐसा सब कुछ किया जा रहा है? क्यों नहीं, इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है कि ग्रैंड गेम का हिस्सा है, और बेसिकली ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ही का एक शाखसाना है। हो सकता है और बहुत सारे मुल्कों जो हमसे भी बुरे हों जहां तक बैंक के प्रोसीजर्स हैं,
लेकिन चूंकि दुनिया को हमसे और शिकायतें भी हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है कि आपकी तरफ उनका रवैया सख्त हो। और जब सबसे बड़ी दुनिया की ताकत अमेरिका, जिसका बहुत असर रसूख है बाकी अदात के ऊपर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट समेत, वो उसका असर रसूख भी यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, तो वही जो ट्रंप का ट्वीट है ये बुनियादी तौर पर उसी का शाखसान है। बिल्कुल सही। आपने बातें और हैं दुनिया को और साइड से भी आपके ऊपर प्रेशर डालना चाह रहे हैं, तो ये ग्रेट गेम ही का हिस्सा है, इसमें कोई शक कुछ बना। आप कह रहे हैं कि ग्रेट हिस्सा है। अच्छा, पाकिस्तान का नाम वॉच लिस्ट में शामिल होने से होगा क्या क्या? आलमी इमदादी कर्जों और सरमायाकारी की सख्त निगरानी से उसे गुजरना पड़ेगा, जिस तरह के पहले हमने देखा कि 2012 में जब पाबंदी लगी थी 2015 तक, तो यही सारी सूरत हाल से गुजरना पड़ा था, तो क्या मुल्की मईशत पे मनफी असरात मुरतब होंगे इस पे? देखें, पाकिस्तानी रियासत ओवरऑल नाकाम होगी अगर ये इस किस्म का बात हो जाती है। सिर्फ हुकूमत पर डालना काफ़ी नहीं है, गो के हुकूमत ही की जिम्मेदारी होती है कि ऐसी चीज़ों का ख्याल रखा जाए। बात ये, जैसे मैंने कहा कि मैं कोई ज़्यादा इकॉनमी के बारे में नहीं समझता, लेकिन ये मुझे पता है कि जब ये बड़ी पावर्स जहाँ पर हम अपना कोई थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट करते हैं और जहाँ पर हमारा कोई सूती कपड़ा जाता है या गारमेंट्स जाते हैं या स्पोर्ट्स गुड जाते हैं, हमारे तो वैसे ही थोड़े से एक्सपोर्ट की चीज़ें हैं, चावल हैं शायद, तो वो फिर साफ ज़रा फ़र्क तो पड़ेगा। लेकिन मेरा अपना ये अंदाज़ा भी है कि पाकिस्तान इतना आइसोलेटेड नहीं है, हमारे पास और एक और चंद वसी मार्केट्स मौजूद हैं। एक तो मेरा ख्याल ये है कि जो मिडल ईस्ट है वो फौरी तौर पर ज़रूरी नहीं कि इन तमाम पाबंदियों पर दरामद करे। फिर जो ईस्टर्न यूरोप है, ईस्टर्न ब्लॉक है, चाइना बिल्कुल मेरा ख्याल से आज़ाद रहेगा, रूस के साथ कर सकेंगे, ईरान के साथ हम कर सकेंगे, तुर्की हमारा दोस्त है, तो इस ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल ही हम घुटने टेक देंगे। मेरा ख्याल ये कि हमारे पास ऑप्शंस हैं और प्रेशर तो आएगा, प्रॉब्लम तो होगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई इतना बड़ा सानहा पेश आ जाएगा कि हमें बिल्कुल हमें सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। ये दुश्वारी ज़रूर होगी इकोनॉमिक, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसा मसला नहीं होगा कि जो कि जिसका कोई हल ही ना हो। जी बिल्कुल सही कह रही है। वाले से मिफ्ता इस्माइल भी बड़े पुरुमीद हैं कि ये मामला हल हो जाएगा और पाकिस्तान का नाम वॉच लिस्ट में नहीं डाला जाएगा। भारत की अगर बात करें तो भारत के साथ अमेरिका का सलूक वक्त के साथ साथ सर बड़ा फ्रेंडली होता जा रहा है। पहले अमेरिका की पॉलिसी थी कि दोनों को बराबरी की सतह पर रखा जाना था, मगर अब ऐसा साफ होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अमरीका का पलड़ा भारत की तरफ है। इस झुकाव की क्या वजह है? क्योंकि सी पैक भी इसकी एक वजह है, अमरीका को खत्ते में अपना असर रसूख खत्म होता नजर आ रहा है, इसलिए वो पाकिस्तान दुश्मन मुल्क भारत के साथ खड़ा हो गया है। दूसरी जाने भारत को भी पैक से बहुत ज्यादा तहफ़ुज़ात हैं और वो पाकिस्तान के उन तमाम पड़ोसी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम रखना, भारत अमेरिका के जरिए पाकिस्तान पर प्रेशर बिल्ड कर सके। हाँ जी, देखें, एक तो ये है कि देखें जब दूसरे मुल्क आपस में बढ़ाते हैं तो कोई तीसरा मुल्क उस पर कोई एतराज तो नहीं कर सकता। एग्जैक्टली, तो ये तो नहीं हम कह सकते कि जी वो ये लेकिन ये हमें मालूम है कि वो कौन से मुहर्रकात हैं जिसकी वजह से अमेरिका का जो झुकाव है वो भारत की तरफ हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि भारत एक बड़ा मुल्क है, एक बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, अमेरिका को अपना असलाह बेचना होता है। दूसरा ये कि चाइना को अगर कोई इस खत्ते में थोड़ा बहुत बैलेंस कर सकता है तो वो भारत है और उसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह करे कि भारत की जो लीडरशिप है वो इतनी बेवकूफ़ी न करे कि वो अमेरिका के हाथ में एक मोरा बन जाए इस इलाके में। लेकिन उनके अपने इंटरेस्ट ये हैं कि अमेरिका का साथ होने की वजह से वो कश्मीर के मामले को किसी हद तक दबा सकेंगे, दुनिया की नज़र से ओझल रखने की कोशिश करेंगे, तो ये एक नेक्सस है। हमें इस शिकायत करने के बजाय हमें ये चाहिए कि हम इस इम्बैलेंस को अपने तरीके से बैलेंस करने की कोशिश करें, अपनी दोस्ती गहरी करें और चाइना के साथ, रूस को साथ मिलाएं, ईरान के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे करें, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में हम अपना असर रसूख बढ़ाने की कोशिश करें, तब जाके आप इसको पूरा उतर सकेंगे। सिर्फ शिकायतें करने से फ़र्क नहीं पड़ता। भी मिसाल के तौर पे चाबहार के ऊपर हिंदुस्तान और ईरान का मुआहदा हुआ है, तो अब हम अगर शिकायत करने लग जाएं कि जी ये क्या हो रहा है, उसका क्या फ़ायदा? हमें चाहिए कि हम अपने तौर पर ईरान को साथ मिलाकर सी पैक में शामिल करने की कोशिश करें, चाबहार को हम ग्वादर के साथ मिलाने की कोशिश करें। तो हमें अपनी कोशिशें करनी चाहिए, जो दुश्मन कर रहा है उन्होंने तो करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो अभी नेक्सस पक्का है हिंदुस्तान का और अमेरिका का,
तो इस पर शिकायतों के बजाय हमें जो अपना बारे में हमसे गुफ्तगु कर रहे थे और डेफिनेटली वॉचलिस्ट में डालने का ये मामला है। बहुत शुक्रिया सर, आपने आशियों से गुफ्तगु की। और जहाँ पर ओएस बात कर रहे हैं वॉचलिस्ट में डालने के हवाले से, प्रेशर बिल्ड करने के हवाले से, तो डेफिनेटली भारत की अगर बात करें तो उसकी हमेशा से कोशिश यही रहती है कि वो जितने ममालिक को अपने साथ मिला सकता है पाकिस्तान को आइसोलेट करे, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बिल्ड करे। लेकिन इस दफा पाकिस्तान का जो अपना स्टांस था, जो कि जनवरी से स्टार्ट हुआ है ट्रंप की ट्वीट के बाद से, कि पाकिस्तान की जानिब से कहा जा रहा है कि अब नो मोर के हवाले से हम बात करेंगे, इसी हवाले से मजीद भी डिस्कशन होगी, तो कहीं मजा हमारे साथ इसी हवाले से हम ब्रेक के बाद मजीद बात भी करेंगे। जनरल गुलाम मुर्तजा भी हमारे साथ होंगे, सो कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो ब्रेक पर जाने से पहले सब हम बात कर रहे थे डॉक्टर फारूक सत्तार के हवाले से, तो इसी पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ पीपल्स पार्टी की रहनुमा शमीला फारूकी साहिबा मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस पूरी सियासी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी कहां पर है, उसका क्या किरदार रहा है। शमीला फारूकी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले आपको सुबह बखैर कहेंगे और अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। बताइएगा कि पीपल्स पार्टी के ऊपर नून लीग और जो अपोजिशन जमाते हैं, दूसरे राय आमा के जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने इसमें पूरे मामले के अंदर कुछ किरदार अदा किया है, कोई साजिश जरूर हुई है। जी बहुत शुक्रिया। देखिए मेरे ख्याल है कि इस बात तो सबसे आया है कि इस वक्त जो एमसीएम पाकिस्तान में जो धड़े बने हैं और उनकी अंदरूनी जो भी मामलात है, हमें तो नहीं पता कि उनके अंदरूनी मामलात क्या है, जो हम टेलीविजन पर देखते हैं या जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे सुनते हैं जी, वो उनका एक शख्स के ऊपर या कुछ पार्टी की जो हायरार्की है उसके हवाले से इनके इश्यूज हैं। तो आपस में जब आप खुद डिवाइडेड होंगे तो आप किसी और से इल्जाम नहीं लगा सकते। आज की भी खबर यही है कि अब तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो बहादराबाद ग्रुप और जो पी आई डी ग्रुप दोनों ने जो नाम दिए थे सेनेट के लिए, वो अपनी जगह मौजूद हैं। अब समझ नहीं आता कि क्या होगा, क्योंकि इसमें से काफी मेंबरान इनके पीएसपी में चले गए, वो किसको वोट देंगे। फिर जाहिर बात है जो कैंडिडेट हैं एमकेएम भाद्रबाद ग्रुप के और जो सीआईडी के, वो अपनी जगह मौजूद हैं। तो अब देखते हैं कि किसका जमीर किसको वोट देता है, ये तो मेरे ख्याल है 3 मार्च को ही सबको पता चलेगा। अच्छा शर्मिला साहब, आप बिल्कुल एमकेएम की जो सूरत हाल है, जो तकसीम हुई है एमकेएम की, उसमें यही कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा एज जो है वो पीपल्स पार्टी को है, इस दफा पीपल्स पार्टी फायदा उठाएगी और 12 सीटों के हवाले से कहा जा रहा है कि वो 12 सीटें पीपल्स पार्टी की झोली में आके गिरेंगी, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए पीपल्स पार्टी की सेनेट की बहुत सारी सीट तो जाहिर बात है पक्की है, क्योंकि हमारे एमपीएस मौजूद है, हमारे पास नंबर्स हैं। लेकिन अगर इसके साथ साथ कोई एमक्यूएम का शख्स अगर अपने जमीर के मुताबिक पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को वोट देना चाहता है, क्योंकि ये सीक्रेट बैलेटिंग होती है, तो ये उनकी मर्जी है। अगर वो अपने किसी भाद्रबाद ग्रुप को देना चाहें या किसी पीआईडी ग्रुप को देना चाहें, देखिए नुकसान तो उनको पहुंचेगा, क्योंकि जब भी आप तकसीम होते हैं या बट जाते हैं आपस में, तफरके पैदा हो जाते हैं, तो नुकसान आपको जरूर पहुंचता है। शर्मिला साहब आप जी जी कंटिन्यू कीजिए। देखिए अफसोसनाक बात है, ये खुशी की बात नहीं है किसी भी जमात को इस तरह डी जनरेट होते हुए देखना जी, ये कोई खुशाइन बात नहीं है। क्या इनके मामलात हैं, ये अपनी पार्टी में इलेक्शन भी करवा रहे हैं, इंटरनल वो अलग करवा रहे हैं, दूसरी धड़ा अलग करवा रहे हैं, फारूक सत्तार की जानिब से तो यही कहा जाता है कि जी एमकेएम में जो कुछ भी हो रहा है, जो तकसीम हो रही है, उसके पीछे जो है वो साजिश है, और साजिश के कौन कर रहा है ये तो उन्होंने बताया नहीं, लेकिन साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जी हॉर्स ट्रेडिंग भी होने वाली है इस दफा, और पीपल्स पार्टी के हवाले से नून लीग भी यही कह रही है, पीटीआई भी यही कह रही है, और एमकेएम का भी यही मौकफ है, आप क्या कहेंगी इस पे? देखिए पीटीआई और पीएमएलएम बलूचिस्तान में आप हाल देखे ना जी, कि नून लीग के अपने सिटिंग एमपीएस ने अपने ही सिटिंग वजीर आला के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया, इसमें पीपल्स पार्टी का क्या लेना देना है? आपके खुद आपके लेजिस्लेटर्स आपसे नाखुश हैं और वो आप ही के वजीर आला के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए। अब ये देखना चाहिए कि इनकी, देखे ना, इनको खुद अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन करनी चाहिए जी, कि इनकी क्या ऐसी गलत पॉलिसीज हैं या रवैया है जिसकी वजह से इनके अपने एमपीएस एमएनएस इनसे नाला हैं जी। मैं तो ये कहती हूँ कि आज अगर ये शायद वाखाना बासी के हवाले से दोबारा से कॉन्फिडेंस मोशन मूव करें, तो शायद इनके अपने सिटिंग एमएनएस वहां पर मौजूद ना हो,
ठीक, लेकिन नून लीग की जानिब से शर्मिला साहबा यही कहा जाता है कि जी पीपल्स पार्टी टैक्टिक्स कर रही है और जो कुछ भी बलूचिस्तान में हो रहा है, जो कुछ भी केपी में हुआ, उसकी जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है, क्योंकि पीपल्स पार्टी पंजाब में तो इतनी मुतारिक है नहीं, पंजाब में तो वो अपनी जगह बना नहीं पा रही है, तो अब वो दीगर जगहों पर जो है वो टैक्टिक्स इख्तियार कर रही है। और साथ में ये भी ऐड कर लीजिएगा शर्मिला साहबा के फारूक सत्तार ने अभी कुछ दिन पहले वजाहत भी की कि कहा गया था कि फारूक सत्तार की पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों से खुफिया मुलाकात हुई है या टेलीफोनिक राबता हुआ है, इस पर भी बात कीजिएगा। नहीं देखिए, बात ये कयास आ रही है तो जाहिरी बात है मीडिया में बहुत सारी होंगी जब तक सामने फैसला नहीं आ जाता 3 मार्च को। लेकिन बात ये है कि देखिए पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी जमात है और पीपल्स पार्टी जाहिरी बात है एक सियासी जमात है और एक डेमोक्रेटिक जमात है। ठीक, हमारे दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं, कोई हमारी जमात में शमूलियत हासिल करना चाहे, कोई हमारी जमात के कैंडिडेट को वोट देना चाहे, तो ये उनकी मर्जी है। ठीक, हमारी इंक्लूसिव पॉलिसीज होती हैं, एक्सक्लूसिव नहीं होती हैं। पीएमएलएन की तरह या सीपीआई की तरह के वन मैन शो चल रहा है, ना किसी से कोई मुशावरत है, ना बात है, एक फैसला मुसल्लत कर दें आप अपनी जमात के ऊपर जिसके ऊपर कोई भी राजी ना हो। हमारे दरवाजे तो हमेशा हर किसी के लिए खुले रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सिंध में कितने लोग दीगर जमातों से पीएमएलएन से, बिल्कुल आपके रहनुमा कहते हैं कि अगर फारूक सत्तार भी आना चाहें, ज्वाइन करना चाहें, तो पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा शर्मिला फारूकी साहबा, एमकेएम की सियासत के हवाले से तो डेफिनेटली हम बात कर रहे हैं और इस हवाले से मजीद भी आपसे बात करेंगे, लेकिन अगर हम नकीब कत्ल केस के हवाले से बात करें तो आप देखें कि उनके अहल खाना जो है वो अभी भी इंसाफ के मुंतजर है, नकीब के साथ अभी भी इंसाफ नहीं हुआ, उस सारी सूरत हाल पर आप क्या कहेंगी? देखिए मैं समझती हूँ कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और क्योंकि इतना बड़ा ये वाकया हुआ है, बहुत तकलीफ दे वाकया हुआ, हम सब के लिए बहुत तकलीफ दे है जी। जितनी जल्दी कानून हरकत में आए और एक जो प्रोसीजर है कानून का उसको अडॉप्ट करके आप आगे चलें और फैसला सुनाएं। देखें जैनब बीबी के केस के अंदर भी ये हुआ कि फैसला आया तो कुछ अहले खाना को और हम सबको कुछ सुकून मिला जी जी। इसी तरीके से जो है कि नकीब के भी कत्ल के केस के अंदर मामलात जो हैं वो अदालत में हैं। शर्मिला साहब आप दुआ गो हैं और पूरा मुल्क भी दुआ गो है, यकीनन आप सही कह रही हैं, लेकिन अब 2 दिन पहले एक इंटरव्यू हुआ है आसिफ अली जरदारी साहब का, उसमें उन्होंने जो मफरूर मुलजिम है इस केस के अंदर नकीब कत्ल केस के SSP राव अनवार जो साबिक हो चुके हैं अब, उसमें उन्होंने कहा कि ये हमारा बहादुर बच्चा है, इसके ऊपर उन्हें काफी ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ रहा है सोशल मीडिया और मुखालफीन की जानिब से, इस पर क्या कहेंगे? देखिए मेरा ख्याल है कि उसकी वजाहत फरतुल्ला बाबर साहब ने ऑलरेडी दे दी है, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगी कि आप इस पूरे जुमले को उस पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखें। सदर अच्छा। साहब ने ये बात की थी कि वो बहादुर बच्चा इसलिए क्योंकि 53 लोगों में से जिन्होंने एमसीएम के हवाले से ऑपरेशन किया था उनसे 52 की मौत हो चुकी है। ये वाहिद शख्स है जो वाहिद पुलिस ऑफिसर है जो आज तक बचा हुआ है। तो एमपीएम के खिलाफ ऑपरेशन में जिन जिन लोगों ने जिन जिन पुलिस अफसरान ने हिस्सा लिया वो सारे बहादुर थे। अच्छा शर्मिला फारूकी साहबा, राव अनवार का केस इसलिए डिफरेंट है क्योंकि एक तो वो अदालत में भी पेश नहीं हुए और दूसरी जानब उनको पीपल्स पार्टी से बड़ा जोड़ा जाता है कि जी पीपल्स पार्टी में उनके बड़े जबरदस्त किस्म के ताल्लुकात हैं, और फिर खुद जरदारी साहब का बयान आ जाना और उनको बहादुर बच्चा कहना, तो इसी हवाले से फारूक सत्तार भी कहते हैं कि जी अब पूछा जाए, अब तो हमारे जो बयान थे उसकी बिल्कुल तायद कर दिया आसिफ अली जरदारी साहब ने, तो आपको नहीं लगता कि इस टाइमिंग के ऊपर जबकि नकीब के घर वालों को इंसाफ का इंतजार है वो राव अनवार के हवाले से इस तरह का बयान देंगे तो उनकी दिल आजारी तो होगी ना, क्योंकि वो पेश भी नहीं हो रहे? देखिए बात ये है कि जहाँ तक दिल आजारी की बात है या तकलीफ पहुँचने की बात है उनकी फैमिली को या पश्तून बरादरी को, तो उस पर मेरा ख्याल है कि सदर साहब की जो स्पोक्स पर्सन की तरफ से वजाहत भी आई है और ये भी कहा गया है कि अगर किसी की दिल आजारी हुई तो उस पर माजत ख्वाह है, दैट शुड एंड द टॉपिक। लेकिन बात ये है कि देखिए अगर कोई शख्स माजी में कोई बहादुरी का काम किया है, एमसीएम के खिलाफ ऑपरेशन किया है, कोई भी करने को तैयार है, माजी में बहादुरी का काम उन्होंने शर्मिला साहब, मतलब ये नहीं है कि आज अगर कोई गलती हुई है तो उसको कंडोन कर दिया जाए, नो वी कंडेम राव अनवर के जो उन्होंने ये क्योंकि आप कंडेम करते हैं जो भी अगर कोई गलत फैसला हुआ है या उन्होंने अगर गलत काम किया, आप सही कह रहे हैं कि कानून के कटहरे में जरूर आना चाहिए। ये ऑपोजिशन की जानिब से कहा जा रहा है कि शायद राव अनवार को पीपल्स पार्टी की जानिब से शेल्टर किया जा रहा है, और एक दावा यह भी सामने आया है बल्कि मुतालबा सामने आया है कि जरदारी हाउस में अगर छापा मारा जाए तो क्या इसमें हर जाए, और करारदादें भी इस सिलसिले में मंजूर की गई हैं सिंध असेंबली से भी और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से भी।
देखिए मेरा ख्याल है ये तासुर देना कि बिलावल हाउस पर छापा मारा जाए जहाँ दिल चाहे, अगर आप समझते हैं कि वहां पर बिल्कुल छापा मारें, बल्कि देखिए अभी आपने कहा कि जी उनके ताल्लुकात जो है वो जरदारी साहब से या पीपल्स पार्टी से, मेरा ख्याल है आप और मैं हम सब ये जानते हैं कि राव अनवार के ताल्लुकात कहाँ कहाँ किससे हैं, वो बहुत जगह उसके ताल्लुकात हैं, तो आप बता दीजिए कहाँ कहाँ हैं उनके ताल्लुकात। देखिए मैं इन ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज के अंदर ज्यादा अफरा नहीं करती, हम सब जानते हैं कि इस किस्म के पुलिस ऑफिसर शर्मिला साहिबा कॉन्ट्रोवर्शियल इशू तो ये राव अनवार ने खुद बनाया पेश ना होकर, उसके बाद ये सवालात उठ रहे हैं कि जी अगर जरदारी साहब ऐसा बयान देते हैं, फारूक सत्तार तहफ्फुज़ात का इजहार करते हैं, नकीब के घर वाले परेशान हैं, पहले राव अनवार की जानिब से कहा जाता है मैं इस टीम के ऊपर बिलीव नहीं करता, फिर GIT बना दी जाती है, फिर अदालत उनको कहती है कि आप आ जाए हम आपके साथ इंसाफ करेंगे, आपकी बात सुनेंगे, उसके बाद भी पेश नहीं होते, और फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी के ही रहनुमाओं की जानिब से इस तरह का बयान सामने आना, तो फिर इस बात की तायद हो जाती है ना शर्मिला साहिबा के पीपल्स पार्टी ने कुछ तो शेल्टर दिया हुआ है, पीपल्स पार्टी को पता होगा वो कहाँ है। देखिए बात ये है, मेरा तो एक सीधा सीधा मौकफ ये है और मेरी जमात का भी मौकफ ये है कि जो गुनेगार है या अलेजेडली गुनेगार है उसको पकड़ें, कानून के कटहरे के अंदर लाएं, उसमें मुकदमा चलाएं और कानून के मुताबिक सजा दें, और सेम गोज फॉर अनवार, कोई भी कानून से बालातर नहीं है, यहाँ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर घर चले गए, जेल चले गए हैं, यहाँ पर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो है वो फांसी चढ़ गए हैं बेगुनाही में, यहाँ पर राव अनवार साहब जैसे लोगों की कोई औकात नहीं है, और कोई भी मैं आपको बता दूं कोई भी इंडिस्पेंसेबल नहीं है, और कोई भी तमाम उम्र बच नहीं सकता है, कहीं ना कहीं अल्लाह की पकड़ जरूर होगी और आपके सामने ये चीज आएगी। मैं इस बात पे बड़ा बिलीव करती हूँ कि कोई भी शख्स अगर कोई ज्यादती किसी के साथ करता है वो कब तक भागेगा, कब तक बचेगा, ठीक है, अल्लाह की पकड़ अल्लाह की पकड़ भी आएगी और कानून की पकड़ में भी आएगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्मिला फारूकी इस वक्त आशनी गुफ्तगु कर रही थी, गुड मॉर्निंग आपसे गुफ्तगु कर रही थी, और उसमें उनका यही कहना था कि अगर किसी ने जुर्म किया है तो डेफिनेटली उसको सजा भी मिलनी चाहिए, और MQM के हवाले से वो कह रही थी कि उसमें पीपल्स पार्टी का कोई भी अमल दखल नहीं था, और जो कुछ भी हुआ है डेफिनेटली वो MQM के अपने अंदर अंदरूनी तौर पर हुआ है, और अगर MQM मुनकसिम होती है तो उसका फायदा बिल्कुल। और साथ साथ शर्मिला फारूकी ने यह भी कहा कि कानून की गिरफ्त से कोई भी बालातर नहीं है, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, और उन्होंने राव अनवार के लिए भी ये कहा कि उन्हें भी कानून के कटहरे में आना चाहिए। तो गुड मॉर्निंग आज में अब लेते हैं एक ब्रेक, और आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम, एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। तो जनाब सियासी मौसम की तो हमने बहुत सारे बात कर ली, और हमारे माहौल के हवाले से भी हमने काफी बातचीत की है कि जी मौसम कैसा है, लेकिन आजकल फैशन का मौसम कैसा है, और खास तौर पे बात की जाए अगर बालों के हवाले से तो हेयर ट्रांसप्लांट या PRP के हवाले से काफी ज्यादा खबरें सामने आ रही हैं, और लोग तहफ़ुज़ात का शिकार भी हैं, और वो तहफ़ुज़ात का शिकार इसलिए हैं कि हमारे जो एक्टर हैं लेजेंड एक्टर साजिद हसन, उनके साथ ट्रांसप्लांट के नाम पर, हेयर ट्रांसप्लांट के नाम पर जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। तो इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें जो है ज्वाइन किया हमारे स्टूडियोज में डॉक्टर बतूल अशरफ ने, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट है, कॉस्मेटोलॉजिस्ट है, और इब्ने सीना हॉस्पिटल में भी होती हैं और अपनी प्राइवेट क्लिनिक भी करती हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं? बिल्कुल खैर सर। अच्छा डॉक्टर साहब, हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन क्योंकि साजिद हसन जो हमारे लेजेंड एक्टर हैं उनका जो मैसेज है वो आपको सुनवाते हैं, उसके बाद फिर डॉक्टर साहब से कंप्लीट बात करेंगे, उनकी सर्जरी होने जा रही है। Sajid bhai is with me and we are at Ziauddin University Hospital and we are taking Sajid bhai in for a scalp reconstructive surgery and inshallah Allah ne chaha to behtri hogi and we should get Sajid bhai back into acting looking as great as always inshallah. That's his promise, right? He's come true to it, right? Thank you. Chalo let's go. Chalo let's go. चलिए जनाब, आपने देखा कि किस तरीके से साजिद हसन की जो है वो सर्जरी होने जा रही है, हमारे इस बार तो वो काफी पुरुमीद नजर आ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से हम सब जानते हैं, सब हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे होते हैं यूजुअली, लेकिन अगर साजिद हसन की ही बात कर ली जाए। अच्छा बेसिकली क्योंकि ये डायबिटिक थे इस वजह से, और फिर इन्होंने खुद जो है वो स्टेटमेंट दिया कि इनकी कोई भी लैब्स नहीं करवाई गई थी प्रॉपरली। एक तो चूज, आप जब भी, अच्छी बात है, हर किसी का राइट है अच्छा दिखना, अगर आपको लगता है कि आपके बाल लगकर आपका जो है वो फेस लुक अच्छा हो जाएगा देन गो फॉर इट। लेकिन आपने जो है, जब हम शर्ट लेने जाते हैं ना, एक शर्ट की भी खरीदारी करते हैं हम, एक जगह से नहीं करते, अच्छी से अच्छी दुकान देखते हैं। Exactly. तो आपने डॉक्टर भी वैसे ही चूज करना है, उसकी दुकान क्या है, उसका हॉस्पिटल है, उसके अंदर फैसिलिटी कैसी है। आप जब जा रहे हैं, एक चीज जहाँ पे एनेस्थीजिया इन्वॉल्व हो रहा है, एनेस्थीजिया कोई सी भी सर्जरी के लिए हो, चाहे वो गॉल ब्लैडर की सर्जरी के लिए हो, चाहे हेयर ट्रांसप्लांट, वहाँ पे फैसिलिटीज देखना जरूरी है।
फिर अल्लाह ना करे कुछ होता है तो वहाँ पे थिएटर के साथ जो है वो आईसीयू होना ज़रूरी है। तो आप ऐसे सेटअप में करवाइए जहाँ पे प्रॉपर जो है वो थिएटर का सेटअप हो, लाइट प्रॉपर हो, स्टेरिलाइजेशन प्रॉपर हो, आपकी लैब्स कंप्लीट होनी चाहिए, डॉक्टर ने सारे टेस्ट करवाए हुए हों, उसके बाद एंटीबायोटिक का प्रॉपर यूजेज। और उसके बाद जो है वो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल, डायबिटिक भी थे, स्टेरिलाइजेशन भी प्रॉपर नहीं लगी, जो इनके साथ ओवरऑल हुआ है होपफुली फहद बहुत अच्छे सर्जन है इंशाल्लाह जो है इनकी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी सक्सेसफुल होगी। साजिद हसन के साथ जो वाकया हुआ है इसके बाद से जितने लोग हेयर ट्रांसप्लांट की जानिब जाना चाहते हैं या पीआरपी कराना चाहते हैं या हेयर से रिलेटेड ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं वो अब डर गए हैं कि जी अब हमने नहीं जाना या हम नहीं करा सकते, ये इस तरह की सर्जरीज होती है, ऐसे भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, तो इसके हवाले से जो अब क्लियर कीजिएगा कि हेयर ट्रांसप्लांट बिल्कुल मेडिकली ठीक है अगर सही तरीके से सही प्रोसीजर के साथ किया जाए तो ट्रीटमेंट। देखिए कोई भी अगर आपको कह रहा है ना जी आप 50,000 रुपए लेकर आइए मैं कर देता हूँ अपने क्लिनिक में, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, मैंने आपको बताया जहाँ पे एनेस्थीजिया इन्वॉल्व हो रहा है वहाँ पे सारी इक्विपमेंट्स होने जरूरी हैं। ओके, ठीक है, मैंने खुद जिनसे परचेजिंग की है आप बिलीव करें उनके अपने सगे भाई जो है उनकी डेथ जो है वो इससे हुई है। ओह माय गॉड, और मशहूर तरीन हॉस्पिटल में हुई है और उनकी उनके पास जो है वो सिंपल एक ऑक्सीमीटर और एक पल्स जो है वो रीड करने के लिए नहीं था। Oh, that's strange. और इतना उनको ओवर एनेस्थीजिया दे दिया गया था कि उनको जो है पैल्पिटेशन हुई, इनका हार्ट रेट बढ़ा, हार्ट रेट बढ़ते ही जो है वो बिल्कुल कार्डियक अरेस्ट में चले गए और उसके बाद जो है और वहाँ पे ना आईसीयू था ना कुछ था और वो साहब बेचारे जो है वो सिर्फ। तो डॉक्टर साहब आप ये कह रही हैं कि अगर सही से प्रोसीजर्स ना फॉलो किए जाएं तो गड़बड़ हो सकती है, नुकसान हो सकता है। डॉक्टर का स्किल्ड होना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे हर किसी ने खोला हुआ है सारी चीजें, स्किल्ड होना बहुत जरूरी है, आपकी सेटिंग पूरा सेटअप प्रॉपर हॉस्पिटल का होना चाहिए, अगर हॉस्पिटल का सेटअप नहीं। डॉक्टर साहब ये बताएं कि आम अब जैसे आप खुद कह रही हैं कि हर किसी ने दुकान खोली है और एक आम शहरी को नहीं पता, जैसे साजिद हसन को नहीं पता था, उनके वो करीबी दोस्त थे जैसे वो कह रहे हैं, उन्होंने ट्रस्ट किया और वो चले गए, एक आम शहरी भी इसी तरह जा सकता है। उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो खुद भी जो है अपने टेस्ट करवाते हैं। हम नॉर्मल एक आई की सर्जरी के लिए भी जाते हैं, कैटरेक्ट की सर्जरी के लिए जरूरी नहीं। जब कोई पेशेंट कोई भी हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसको ये पता होता है कि यार मैं एक महंगे एक अच्छे और बड़े हॉस्पिटल में जा रहा हूँ तो डेफिनेटली जो प्रोसीजर होगा वो डॉक्टर खुद फॉलो करवाएगा, मेरी हिस्ट्री लेगा, फिर उसके अकॉर्डिंगली मेरे टेस्ट होंगे, फिर उसके बाद वो मुझे सजेस्ट करेगा कि मैं सर्जरी करवा सकता हूँ या नहीं करवा सकता हूँ, या मेरे लिए एनेस्थीजिया लेना बेहतर है या नहीं है। तो आपको नहीं लगता है सारे केसेस में जो लोग पीआरपी या हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाते हैं वो तो नाइव ही होते हैं ना, एग्जैक्टली डोंट नो कि हमारे साथ में अब क्या ट्रीटमेंट होगा। डॉक्टर का काम है, डॉक्टर की रिस्पांसिबिलिटी है कि सारे अच्छा पीआरपी में जो होता है पीआरपी में टेस्ट कराना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, पीआरपी में हम सिर्फ उस वक्त टेस्ट करवाते हैं जब पेशेंट हिस्ट्री देता है कि उसको जॉन्डिस हुआ है, उसको टाइफाइड हुआ है लास्ट 6 मंथ्स में, या जो है वो हेपेटाइटिस के पेशेंट रह चुके हैं। ठीक है, ऐसे पेशेंट्स के जो है पीआरपी कराते हैं। अब पीआरपी भी सारे पेशेंट्स में नहीं होता। ठीक है, लाइक मेरे पास लास्ट वीक जो है वो 6 पेशेंट्स आए हैं, उनमें से सिर्फ एक जो है वो पीआरपी के लायक थे। ठीक है, बाकी 5 लोग जो है वो लायक नहीं थे। लाइक का मतलब ये कि उनके फॉलिकल्स इतने ओपन नहीं हुए थे कि मैं उनका पीआरपी करती और वो इतना सक्सेसफुल होता है कि उनको बहुत अच्छा रिजल्ट नजर आता। ठीक है, दे ऑल बिलोंग टू ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से जो है वो 6 फ्रेंड्स थे और उसमें से सिर्फ एक फ्रेंड ऐसा था जिसके जो है वो पीआरपी हो सकती थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जजमेंट ऑफ द डॉक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर पेशेंट पीआरपी का नहीं होता। दूसरा, पीआरपी के लिए भी आप डॉक्टर से पूछें आप कौन सा इंजेक्शन लगाएंगे, आप मुझे नाम लिख कर दीजिए, उसको गूगल करिए। ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना कि हाउ टू फाइंड अ गुड डॉक्टर, एक इशू ये भी तो है ना कि भाई कौन किस चीज का स्पेशलिस्ट है हमें पता ही नहीं है, तो हम कैसे उसको फिर फाइंड आउट करें। मतलब मुझे कराना हेयर ट्रांसप्लांट तो मैं क्या करूँ, किसके पास जाऊँ? मैंने अभी आपको सारे सेटअप बताया ना। आपने अच्छा आप डिग्रीज चेक करें पहले तो। ठीक है, कि कहाँ से जो है वो किया हुआ है, सेटअप कैसा है डॉक्टर का। ठीक है, अगर मेरा प्राइवेट सेटअप भी है तो मेरे पास सारी फैसिलिटीज है। ठीक है, अगर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मेरे पास सारी फैसिलिटीज हो तो मेरा प्राइवेट सेटअप करने इसमें ये चीज जरूर ऐड कीजिए डॉक्टर। आपने कहा कि डॉक्टर्स की डिग्रीज देखें, क्या डॉक्टर्स इतना आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार होंगे आज के जैसे माहौल के अंदर? नहीं, देखें अगर वो तैयार नहीं भी हैं तो यू कैन गूगल इट। सही, आप सारी डिग्रीज डालिए, सारी चीजें कौन पीएमडीसी से रजिस्टर्ड है, आप सिर्फ पीएमडीसी की रजिस्ट्रेशन डालेंगे आपको पता चल जाएगा। चलें, पीएमडीसी की रजिस्ट्रेशन डालने से पता चल जाएगा। और आप ये कह रहे हैं कि पहले खुद से भी आप तहकीकात कर लें। अच्छा चलें, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ये बताइएगा, अब सर्जरी हो गई, किसी ने हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया, अब उस
पेशेंट के लिए या उस बंदे के लिए एहतियाती तदाबीर क्या होनी चाहिए कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे और किसी भी बुरी चीज़ से बच सके? सबसे ज़्यादा जो बचना ज़रूरी होता है वो डस्ट से, मक्खी से, कि मक्खी नहीं बैठने पाए. ओपन वुंड होता है, अब तो FU ही होता है तो उसमें इतनी नहीं होता. 3 डेज के बाद जो है वो पेशेंट को दोबारा बुलाया जाता है प्रॉपर शैम्पूइंग के लिए. घर में शैम्पूइंग करने की जो है वो ज़रूरत नहीं होती, नहीं तो फॉलिकल्स निकलने के चांसेज होते हैं. प्रॉपर शैम्पूइंग स्टेलाइज कंडीशन में जो है वो की जाती है. उसके बाद 1 वीक के बाद पेशेंट को बुलाया जाता है, फिर 15 डेज के बाद बुलाया जाता है. मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, सिर्फ ये तो इन्होंने अपने जो है वो बाल लगवा रहे थे. मैंने जो है जो ट्रांसप्लांटेशन किया है वो एक बहन के दूसरी बहन के बाल लगाए हैं. अच्छा, और प्रॉपर क्रॉस मैचिंग करने के बाद लगाए हैं, जो कि क्रॉस मैचिंग यहाँ पे नहीं हो पा रही थी. अच्छा, फिर हमने वो सैंपल श्रीलंका भेजा, एंड देन जब वो अप्रूव होकर आ गया तो हमने जो है आज अप्रूवल के बाद आपने अप्रूवल सारे बिल्कुल सारी चीजें. देखिए जब आप पेशेंट से जब आप एक मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो एक पेशेंट आपके ऊपर ट्रस्ट करके अपनी मनी इन्वेस्ट कर रहा है ना, तो आपको प्रॉपरली जो है, अगर मैं उसके क्रॉस मैचिंग नहीं करवा, उसके भाई का रिजेक्ट हो गया, बहन के मैच हो गए, ठीक है, तो प्रॉपरली आज उसके मेरे जितने बाल हैं. हालांकि जब वो मेरे पास आई टी पेशेंट, तो उसके सिर्फ 4-5 बाल यहाँ थे, 8-10 पीछे थे. प्रॉपर एलोपेशिया करें, पहले जो भी SOPs हैं उन्हें जरूर फॉलो करना चाहिए. अच्छा, कुछ ऐसी भी शिकायतें मौसूल होती हैं, कुछ लोग शिकायतें करते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट कराया, उसके बाद जहाँ हुआ है उसमें खारिश होना उन्हें शुरू हो जाती है, उसकी क्या वजूहात? उसकी वजूहात ये होती है कि पेशेंट जो है वो खुद ही या तो शैम्पू जो है वो यूज़ करते हैं प्रॉपरली, जो नहीं बताए हुए डॉक्टर ने, प्रिस्क्राइब नहीं किए हुए, बराबर से खाला आ गई, ऊपर से कोई अपार्टमेंट से आ गई, उन्होंने कहा बेटा ये लगा लो, फलाना लगा लो, फलाना तेल लगा लो, इसका रस लगा लो, उसके बाद ये प्रॉब्लम्स होती हैं. जब आपने इतना बड़ा प्रोसीजर आप करवाते हैं 6 से 8 घंटे का, उसको आपको प्रॉपरली 1 मंथ तक के बहुत ख्याल रखना होता है. 6 वीक्स के बाद ये होता है कि जो आपने ट्रांसप्लांटेड हेयर्स होते हैं वो अंदर जड़ पकड़ लेते हैं, जो ऊपर बाल लगाए होते हैं वो गिर जाते हैं, शेड ऑफ हो जाते हैं. उसके बाद नीचे से जो आपका अंदर जो है रूट ट्रांसप्लांट हो गया, उसमें ही से आपके बाल दोबारा निकलना शुरू होते हैं 6 वीक्स के बाद. ये एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है. हमारे यहाँ शायद डॉक्टर डिस्क्राइब नहीं कर पाते या बताते नहीं है, प्रॉपर काउंसलिंग नहीं करते, तो लोग ये समझते हैं जो बाल टाइम फ्रेम मुकम्मल होने दिया जाए. जहाँ तक हम बात कर रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट की और PRPs की, जो दीगर टेक्नोलॉजीज हैं, अब इतनी ज्यादा ये एनहेंस और एक्टिव हो गई है कि हर कोई ये सोच रहा होता है कि जिसके नॉर्मल बाल भी हैं सक्सेसफुल वो भी, हाँ नॉर्मल बाल भी है ना, वो कहते हैं यार थोड़े से और बेहतर मेरे बाल हो जाए तो मैं ये ट्रांसप्लांट करा लूं. तो इसके मैंने अपने 3 टाइम्स किए हैं PRP. खुद जो है अपने सर पे 3 दफा, इट्स अ वेरी गुड प्रोसीजर, क्योंकि आपका अपना ब्लड यूज हो रहा है उसमें, जो आपके ब्लड में कॉलेजन है, केराटिन है, कोई भी किसी एज में करा सकता है. बिल्कुल, आप जो है टेस्ट कराए उसके बाद प्रॉपर टेस्ट हो. मैंने 9 इयर्स तक की बच्ची तक का किया है, इट्स वेरी सक्सेसफुल, इट्स वेरी सक्सेसफुल. सिर्फ प्रॉपर करने का मेथड होता है, 2-3 सिटिंग्स में आपके प्रॉपरली फुल्ली ग्रोन हेयर होते ही होते हैं. चलें जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर बतूल, आप हमारे साथ थी और हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर आज बड़ी हेल्दी सी डिस्कशन हुई और सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी आई होप कि आपको तमाम जवाब जरूर मिल गए होंगे, क्योंकि लोग बड़ा डर गए थे साजिद हसन की जब ये वीडियो सामने आई थी, और अब उनकी सर्जरी होने जा रही है, तो हम उनको बेस्ट ऑफ लक कहेंगे कि अल्लाह करे वो जल्दी से सेहतियाब हो जाएं, और फिर हम उनको अपने शो में बुलाएंगे और उनसे मजीद भी बात करेंगे. तो आई होप कि आज का शो आपको बहुत पसंद आया होगा. ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखना मत भूलिए, कीप वॉचिंग. गुड मॉर्निंग.